सुम इलैना तुरजाऊन, फिर तुम सबको मेरी ही तरफ लौट करके आना। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जो हमको आजमाता है, अपने बंदों को आजमाता है, कौन सी आजमाइश बहुत ज़्यादा कठिन है, कौन सी आजमाइश ऐसी है जिसमें इंसान का कामयाब होना बहुत मुश्किल है। हम समझते हैं फ़ख्र फाखा, तंगी, बदहाली, बीमारी ये आजमाइश है, और हम समझते हैं कि माल दौलत का मिलना, इज़्ज़त का मिलना, वक़ार का मिलना, ओहदों का मिलना, शान शौकत का मिलना, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, किसी को अल्लाह ने मालदार बनाया, किसी को अल्लाह ने सेहत से नवाज दिया, और अल्लाह सुबहानहू व तआला ने किसी को ओहदे, रुतबे, मनसब अता फरमा दिए, ये सब बेशक नेमत है, लेकिन बड़ी आजमाइश इसी में होती है। आदमी फ़ख्र फाखे में बहुत कम भटकता है, लेकिन जब आदमी को इज्जत, शोहरत, दौलत, हुकूमत मिल जाए, तो फिर वहाँ इंसान का आजमाइश में अल्लाह के पूरे उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ गुरूर होता है, वहाँ फ़ख्र होता है, वहाँ अना होती है, वहाँ मैं होती है। मैं, किसी शायर ने कहा, जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसको ना दुआ लगी ना दवा लगी।